दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जय अहोई माता जरूर लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि वर्ष 2020 में अहोई अष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, दिनांक एवं तिथि इसकी क्या होगी, चंद्रोदय का समय क्या होगा, तारे निकलने का समय क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या होता है और कब मनाया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है, मतलब कि अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले रखा जाता है। अहोई अष्टमी का महत्व, उत्तर भारत में अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है क्योंकि यह व्रत अष्टमी के दिन पड़ता है। अहोई यानी कि अनहोनी से बचाना, किसी भी अमंगल या अनिष्ट से अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए महिलाएं इस दिन व्रत रखती है। यही नहीं, संतान की कामना के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती है करवा चौथ की तरह और पूरे दिन पानी की बूंद भी ग्रहण नहीं करती। दिन भर के व्रत के बाद शाम को तारों को अर्घ दिया जाता है। हालांकि चंद्रमा के दर्शन करके भी यह व्रत पूरा किया जा सकता है, लेकिन इस दौरान चंद्रोदय काफ़ी देर से होता है, इसलिए तारों को ही अर्घ दे दिया जाता है। वैसे कई महिलाएं चंद्रोदय तक इंतजार करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पारण करती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से बच्चों की रक्षा होती है, साथ ही इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन ब्रज में मौजूद राधा कुंड में स्नान की अलग महिमा है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से निःसंतान दंपति को संतान सुख मिलता है। कार्तिक मास के अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने वाली सुहागिनों को संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वर्ष 2020 में अहोई अष्टमी का त्यौहार 8 नवम्बर दिन रविवार को मनाई जाएगी। और तारे निकलने का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय निकलने का समय क्या है, तारे निकलने का समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वो सब मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे। अब चलिए जान लेते हैं पूजा की विधि। तो अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में पूजा के लिए बैठे और व्रत का संकल्प लें। दीवार पर गेरू या चावल से अहोई माता यानी माँ पार्वती और स्याहू व उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। ऐसा संभव न हो तो बाजार से आप रेडीमेड तस्वीर खरीद के ला सकते हैं और दीवार पर लगा सकते हैं। अब माँ पार्वती के चित्र के सामने चावल से भरा हुआ कटोरा और दीपक रखें। अब एक लोटे में पानी रखें और उसके ऊपर करवा रखें। इस करवे में भी पानी होना चाहिए। ध्यान रखें कि यह करवा कोई दूसरा नहीं बल्कि करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया होना चाहिए। दीपावली के दिन इस करवे के पानी का छिड़काव पूरे घर में किया जाता है। अब हाथ में चावल लेकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ने के बाद आरती उतारें। कथा पढ़ने के बाद हाथ में रखे हुए चावलों को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में बांध लें। शाम के समय दीवार पर बनाए गए चित्रों की पूजा करें और अहोई माता को 14 पूरियाँ, 8 पुओ और खीर का भोग लगाएं। अब माता अहोई को लाल रंग के फूल चढ़ाएं, अहोई अष्टमी की व्रत कथा पढ़ें और लोटे के पानी और चावलों से तारों को अर्घ दें। अब बायना निकालें। इस व्रत में बायना सास, ननद या जेठानी को दिया जाता है। व्रत पूरा होने पर व्रती महिलाएं अपनी सास और परिवार के बड़े सदस्यों का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। इसके बाद वह अन्न जल ग्रहण करती है। अहोई माता की माला को दीपावली तक गले में धारण करना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माताएं अहोई माता की चांदी से बनी माला में प्रतिवर्ष 2 मनके मीन्स मोती पिरोती है। इस प्रकार महिलाएं अपनी संतान की आयु अहोई माता के अनुरूप परिभाषित करती है। तारों के निकलने पर अगर आसमान में तारा दिखे तो करवे के शुद्ध पानी को उस पर अर्पित करना चाहिए। आसमान में एक तारा दिखते ही माताएं अपने बच्चों के हाथ से पानी पीकर व्रत खत्म करती है। अहोई अष्टमी करवा चौथ की तरह अधिक लोकप्रिय नहीं है, परंतु यह त्यौहार माँ और बच्चों के बीच के प्यार और स्नेह को परिभाषित करता है।
तो दोस्तों आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।